वक्त आ चुका है स्टेज की तरफ, तमाम शायकें स्टेज की तरफ पहुंचे क्योंकि ये इनाम डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ चुका है। जो विनर है उन्हें हम इनाम देंगे और यहाँ पे जो मैन ऑफ द मैच है उन्हें भी इनाम दिया जाएगा। सो काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि स्टेज की तरफ मेहमान खुसूसी की तरफ चले जाएंगे और ताकि ये हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट का जो है ना वो आगाज करें। So, यहाँ पर है जी इनाम जो तकसीम किए जाएंगे जीतने वालों को, मैन ऑफ द मैच और रनर टीम को, और जिसने सबसे ज्यादा छक्के मारे उनको मिलेगा बैट। सो मोस्ट रिस्पेक्टेबल, इनके साथ काफी टाइम हमारा गुजरा, हमारे क्लास फेलो भी थे, शायद गिल साहब ने हमें पहचाना या नहीं पहचाना। सो मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे आए और अपने इजहार ख्याल जो ये जो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। चिया वाली से जो मेरा रिश्ता है ना वो बड़ा पुराना है, ये एक ही नहीं मेरे दोस्त क्लास फेलो चिया वाली के काफी दोस्त इसमें महफिल में मौजूद होंगे जो मेरे साथ पढ़ते रहे हैं, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सआदत बख्शी। सबसे पहले मैं बेस्ट मैन ऑफ टूर्नामेंट मोहम्मद आसिम नज़ाकत को कॉल करता हूं कि वो स्टेज पे आएं और उन्हें इनाम तकसीम करने के लिए सरदार रफीक जो हमारे मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई हैं। आसिम नज़ाकत बेस्ट मैन ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड सेकंड बेस्ट बॉलर ऑफ टूर्नामेंट, और मैं कॉल करूंगा कि अकील बर साहब यहाँ पे आए, मोहम्मद मेहताब महबूब को अपने हाथों से ये इनाम दें। बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ टूर्नामेंट, उनके लिए मैं कॉल करूंगा हमारे बड़े भाई अलीट फोर्स के एएसआई, अपने वतन के लिए खूब कारकर्दगी दिखाते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, तो अपने हाथों से ही राजा अब्बास सेठ शहरी को कप और मेडल तकसीम करेंगे। राजा अब्बास हमारे मोहतरम भाई मौजूद होंगे, और नंबर चार पे बेस्ट मैन ऑफ फाइनल तो इनाम तकसीम करने के लिए मैं मलिक आबद साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और इनाम तकसीम करें, और इनाम हासिल करने के लिए मलिक नोमान को ट्रॉफी दी जाए। After this, the best bowler of final. So, मैं इनाम देने के लिए कॉल करूंगा मलिक यूसुफ साहब को कि मलिक मेहताब को वो ट्रॉफी दें। मलिक मेहताब को ये ट्रॉफी देंगे अपने हाथों से। एंड द हैट्रिक ऑफ टूर्नामेंट, मैं कॉल करूंगा अपने बड़े भाई सऊदी अरब से सरदार कासिम को कि वो स्टेज पर आए, मलिक मोहम्मद अरसलान को 500 प्लस मेडल दे, सरदार कासिम अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो सरदार सादिक यहाँ पे मौजूद होंगे मेरे बड़े भाई, सरदार कासिम होंगे वो घर चलेंगे होंगे, तो अपने बड़े भाई की तरफ से मैं ही मेडल और ये इनाम देता हूँ। The best catch of the tournament. So, I'm gonna call Muhammad Wahid, Malik Wahid. Malik Wahid sir, stage पर आए, Muhammad Fakhar को medal दें, Muhammad Fakhar. ये दोषी भैया का catch पकड़ा था, Muhammad Fakhar ने, और match में जो है ना एक twist लाया था. So big hand clap please.
बेस्ट इनिंग ऑफ टूर टूर्नामेंट। सो हमारे मोहतरम अतारी भाई अरफान अतारी स्टेज पे तशरीफ लाए और हमारे हमहेज और ऑलराउंडर हमारे सीनियर खलील पोला को ट्रॉफी प्लस मेडल देंगे और साथ में केपी की तरफ से बैट उन्हें स्पॉन्सर किया गया है। फास्ट फिफ्टी ऑफ द टूर्नामेंट सरदार खलील पोला कभी कभी हमारे साथ भी खेला करते थे लेकिन अभी हम बूढ़े हो गए। द लेजेंड ऑफ द चिया वाली सरदार खलील, सो प्लीज कम टू द स्टेज एंड शो योर वर्क। ये भी हमारे अरफान अतारी भाई बड़े लेजेंड हैं और काफी अर्सा इन्होंने भी क्रिकेट खेली है और शायद अब फील्ड बदलने के साथ साथ अपने टीम को भी बदल लिया। सो बिग हैंड प्लीज। ये जो बैट जो है ना, इन्हें बैट जो है ना केपी की तरफ से इन्हें स्पॉन्सर किया गया है। ये केपी स्पोर्ट्स की तरफ से इन्हें, ये वो देख रहे थे ये मैच और इन्होंने ये स्पॉन्सर किया है। सो मैच का जो असल पहलू जो होता है ना वो अंपायर पे होता है, उनके डिसीजन पे। अगर वो अपना है यार वीडियो अच्छा डिसीजन करेंगे, फैसला करेंगे तो फिर दोनों टीमों के मोबाइल जो जो तो फर्का आता है ना वो नहीं फैलता। तो बेस्ट अंपायर ऑफ दिस टूर्नामेंट मैं हमारे मेरे बड़े प्यारे मोजेस और मेरे क्या कहते हैं ना बड़े जिगरी यार हैं मोहम्मद शफीक लाला। तो फैसल बत्ती साहब से रिक्वेस्ट है कि वो सामने आए स्टेज पर और हमारे प्यारे शफीक लाला को जो है ना ये ट्रॉफी प्लस टी शर्ट और प्लस बड़ा शूट वीडियो ग्राउंड में जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस दिखाते हैं मोहम्मद मोहिब मुर्शिद शानी चीनी शाह, ये सब स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम हासिल करें। लेकिन उससे पहले मैं कॉल करूंगा कि हमारे को मुअज्जज मलक भाई साहब आप फिर से तशरीफ लाइए और इन्हें यह इनाम तकसीम करें। इन्हीं की वजह से जो ग्राउंड की सजावट हुई है, जो मेहमानों के ऊपर जो फूल बसाए गए हैं, ये मोहिब की टीम थी मुर्शिद शानी चीनी शाह। सो आ जाए प्लीज क्योंकि हमारे मेहमानों ने जाना भी है। सो इंतजामिया ने जिन्होंने ये सारा अंतर जो मैच जो है ना जो टूर्नामेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके लिए मैं हमारे मोहतरम इब्राहिम डोगर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सामने तशरीफ लाए ताकि फिर जिन्हें हम कॉल करें उन्हें इनाम तकसीम किया जाए। सो आदिल भट्ट ट्रॉफी प्लस मेडल, बिलाल खान ट्रॉफी प्लस मेडल, अब्दुल हमीद और अली मलक, तो बल्ली बादशाह किधर राजीव सो कैपिंग करिए प्लीज क्लैपिंग। इनके लिए ज्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि आपके बच्चों के लिए इन्होंने एक्टिविटीज है जो ना ऑर्गेनाइज किया है। क्योंकि ऐसे इनकी क्लैपिंग है, ये मॉडल नहीं है, आपकी क्लैपिंग जो होगी ना ये इनके इनाम हैं क्योंकि ये सारा जो मैच जो है ना वो सो बार डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि इन्हें इनाम दिया जाए ट्रॉफी प्लस मेडल। क्लैपिंग प्लीज। लगता है मैच के साथ आप भी थक गए हैं भाई, खेल तो हो रहे थे, आपने बस क्लैपिंग करनी है।
मलक अली किधर है? और इस बच्चे ने भी बड़ा ना मोहब्बत के साथ दोनों टीम, बल्कि इन्होंने कहा कि मेरे लिए जो सारी टीम है जो ना वो एक जैसी है, मैं किसी को स्पेशल मतलब कि वो नहीं करता क्योंकि मैं एग्जाम में हूँ। द रनर ऑफ टूर्नामेंट, मैं मौजूद प्यारे मोहतरम भाई आशिक हुसैन भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने तशरीफ लाए ताकि रनर अप टीम के दरमियान जो है ना वो इनाम तकसीम करें। बिलाल बल्ली स्टेज पे तशरीफ ले आए, उनकी टीम सबके लिए जी सर, रनर अप हॉल एंटायर टीम के लिए जो है ना वो मेडल्स और इनाम। तमाम टीम जो बली बादशाह के साथ जो इस टूर्नामेंट को खेल रही थी, अब एक एक करके नाम तो नहीं लिया जा सकता है, तमाम से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे ले आए, तशरीफ लाए और अपना अपना इनाम हासिल करें। क्योंकि हार कर लड़ना ही बहादुरों का काम है, सुनिए रनर अप नहीं है ये बहादुर है, मैदान में हार जीत लगी रहती है, दो खिलाड़ियों में से किसी को पस्त होना पड़ता है, सो बिग हैंड फॉर बल्ली, बिलाल बल्ली की टीम के लिए। हमने तो अपना चैनल चलाना था, मोहब्बत दिखानी थी, लेकिन इन्होंने हमारे लिए भी इनाम रख दिया कि भैया जी सारी कवरेज के लिए देसी वीर ने बड़ा मतलब वर्क किया है। मैंने क्या वर्क किया, मेरे छोटे भाई ने वर्क किया सदाम हुसैन ने, तो देसी वीर तो वैसे एक बस मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए यूट्यूब पर, मैं चिया वाली का नाम बनाना चाहता हूँ, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए 3 महीने जो है ना एक्सटेंड करवाए छुट्टी अपनी, और 3 महीने जो है ना लेकिन सिर्फ जस्ट अपने चैनल के लिए कि मैंने अपने चैनल को गेन करना है, मुझे अपने आप को फेम देना है, तो देसी वीर को जाके सब्सक्राइब करिए। मैंने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं कि चैनल में अगर उनकी कवरेज आ जाती है जस्ट वो अपना चेहरा देखने के लिए वो वीडियो देखते हैं, बाकी वीडियोस को होपली के वो देखते हैं या नहीं देखते, तो भैया सिर्फ अपना चेहरा ना देखें जो आपके लिए इतनी हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने इनसे पैसे थोड़ी ना लिए हैं, आप सब मेरे छोटे बड़े भाई हो, लेकिन मैं अपने गांव चियावाली का नाम बनाना चाहता हूं कि यहां से कोई ब्लॉगर है और हमें देख के मेरे बहुत सारे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों ने भी चैनल बनाया है और मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं और गाइड भी करता हूं कि भाई आना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा एक नाम है। सो मैं सरदार रफीक साहब को कॉल करता हूँ दोबारा से आए, और मैं अपने प्यारे छोटे भाई सदाम हुसैन को, नहीं सदाम हुसैन, चलो सदाम हुसैन के लिए क्या थी, ये अपना टाइम निकाल के मेरी वजह से आया कि भाई बड़े भैया गए हुए हैं तो मैंने भी साथ कवरेज करनी है। सो लास्ट इस तमाम टूर्नामेंट में अपनी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने वाले और इस मैच को अपने नाम पर करने वाले, लेकिन सबसे पहले मैं कॉल करूंगा चौधरी अब्दुल कादर गिल साहब को, वो सामने तशरीफ लाए, और विनर ऑफ दिस CPL टूर्नामेंट मलक 11 की होल जो टीम जो है ना वो यहाँ पे तशरीफ लाए और अपना इनाम हासिल करें और विक्ट्री सेलिब्रेट करें। आपके लिए यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया है कि आपकी विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे मलक मेहमान की सिंगल कैबिंग प्लीज, अब मुझे नाम नहीं आते तो तमाम टीम का अलग मेहताब साहब इंटायर टीम सारे टीम इनके वन बाय वन आती जाएगी, वन बाय वन चौधरी अब्दुल कादर जिला एडवोकेट हाईकोर्ट उम्मीदवार MP-APP 57 इनको नाम आज तकसीम कर रहे हैं जी, एक एक
इंतजामिया ने तो मैं टूर्नामेंट करवाया लेकिन यहाँ पे आके माहौल बनाया। आज जो हमारे मेहमानाने खसूसी आए हैं मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हूँ। मैं ये सारा क्रेडिट जनाब अब्दुल कादर के लड़ों के साथ और उनके साथ साथ जनाब असद अली भट्टी साहब के भाई आए आशिक हुसैन भट्टी साहब उनको और जनाब राजीव राज डोगर साहब को देना चाहता हूँ। इसमें हमारी कोई काविश नहीं है, हमने इन्हें बुलाया और इन्होंने आके हमें इज्जत बख्शी। जनाब चौधरी अब्दुल कादर गिल एडवोकेट साहब और अब विनर टीम को विनिंग ट्रॉफी दी जाएगी और उसके साथ साथ उनके सेलिब्रेशन का इंतजाम भी किया गया है। तो होपफुली आप लोगों ने टूर्नामेंट एंजॉय किया होगा। विनर टीम को इनाम जो नकली है 20,000 रुपए वो तक टीम की तरफ से जी। हेलो क्रेडिट गोज टू द चौधरी अब्दुल कादर गिल एडवोकेट एंड हर कंपेनियन हर हिम कंपेनियंस अब्दुल कादर गिल एडवोकेट साहब।